आरोग्य जागृती। नमस्कार, ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, ये बताने के लिए कि मराठवाड़ा में पहली बार हाथ के नसों द्वारा दिमाग की एंजियोप्लास्टी की गई। मांडी और हाथ के नसों द्वारा हार्ट की एंजियोप्लास्टी सुनी थी, यहाँ तो सीधे दिमाग में रोशनी। जी हाँ दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ब्रेन हेमरेज का प्रमाण काफी देखा जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो इसके दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। नंबर एक, ब्रेन में रक्त का प्रमाण कम पहुंचना। नंबर दो, ब्रेन में रक्तस्राव होना। ये दो मुख्य कारण बताए जाते हैं और ये केवल हमारी बदली हुई दिनचर्या के कारण होता है, जैसे एक्सरसाइज कम हो जाना और दिन भर का तान तनाव, ये भी मुख्य कारण बताए जाते हैं। ब्रेन हेमरेज की मुख्य जांच ये एंजियोग्राफी से की जाती है, लेकिन आज तक ये देखा गया है ये एंजियोग्राफी मांडी यानी जांघ की नसों द्वारा की जाती थी, लेकिन इस बार मराठवाड़ा में ये पहली बार दिमाग की नसों की एंजियोग्राफी हाथ के नसों द्वारा की गई है। और ये ओरियन सिटी केयर हॉस्पिटल के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पांडुरंग वट्टमवार ने की है। डॉक्टर वट्टमवार ने और उनकी टीम ने पत्रकारों को बताया कि ऑपरेशन को लगने वाली एडवांस तकनीक पूरे मराठवाड़ा में केवल ओरियन सिटी केयर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इसकी मुख्य जांच यानी DSA ब्रेन की एंजियोग्राफी द्वारा दिमाग के नसों की जांच की जाती है। इस जांच के लिए जो 3D कैथ लैब मशीन होती है, फिलहाल मुंबई और पुणे के बाद अभी सिर्फ औरंगाबाद में ओरियन सिटी केयर हॉस्पिटल में ही है। बहरहाल इस मशीन से जिस पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेस हुआ उसे भी हमने बात की। इस खूबसूरत कामगिरी के लिए डॉक्टर पांडुरंग वट्टमवार को और उनके साथी डॉक्टर टीम, डॉक्टर सोनवतीकर, डॉक्टर भूमरे और डॉक्टर वड़गावकर, इन्हें आरोग्य जागृति का सलाम। नमस्ते, मैं डॉक्टर पांडुरंग वट्टमवार, एपिलेप्टोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट, बल्कि मैं ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में न्यूरोलॉजी के रिलेटेड, ब्रेन के रिलेटेड सारी बीमारियों के लिए सबसे एडवांस्ड केयर और ट्रीटमेंट उपलब्ध है। स्पेशली जो पैरालिसिस का अटैक, ब्रेन अटैक, पक्षाघात हम बोलते हैं, उसके लिए ये स्पेशल इंजेक्शन से लेके मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जिसमें हम ब्रेन के रक्तवाहिनी में जाके स्टेंट के द्वारे गुठली निकालते हैं, वो बाद में ब्रेन की एंजियोग्राफी, ब्रेन के रक्तवाहिनी में अगर कुछ ब्लॉकेजेस है तो ब्रेन के रक्तवाहिनी की एंजियोप्लास्टी, ये सारी सुविधा उपलब्ध है। सबसे एडवांस्ड कैथ लैब जो 3D एंजियोग्राफी उसमें कर सकते हैं, जिसमें छोटी से छोटी बीमारी हमको उसमें पकड़ में आ सकती है, ऐसी कैथ लैब ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदे से उनका जो जीवन है निरोगी रहे। थैंक यू। मैं डॉक्टर आशीष देशपांडे, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के रूप से मैं इधर ओरियन सिटी के हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। जैसे कि डॉक्टर वट्टमवार ने अभी आपको बताया कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये तो काफ़ी दिनों से हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मैं ये बात कहने में मुझे बहुत खुशी होती है कि न्यूरोलॉजी में आज हमारे हॉस्पिटल में सबसे एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये पूरे मराठवाड़ा में, रादर पूरे महाराष्ट्र में, बॉम्बे छोड़कर बाकी दूसरी जगह नहीं अवेलेबल है। ये सब चीज़ें आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी रिलेटेड एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, कॉइलिंग, AVM, एम्बोलाइजेशन, ये जो सब ट्रीटमेंट है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरह की ट्रीटमेंट है, ये इजीली अवेलेबल नहीं होती है, और आज ये हम हमारे सेटअप में पूरी तरह से, अच्छी तरह से ये सेवा हम दे रहे हैं। मांडी में से एंजियोग्राफी करना और हाथ में से एंजियोग्राफी करना, इसमें पेशेंट को बेनिफिशियल हाथ से ज़्यादा हो रहा है? यस, इसमें कैसा है कि हाथ से अगर करते हैं तो पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल है, पेशेंट को ज़्यादा देर लेटे रहना नहीं पड़ता है। मांडी में से करते हैं तो 6-8 घंटे पेशेंट को लेटना पड़ता है, मांडी में से ब्लीडिंग हो सकता है, मांडी की नस ब्लॉक होके पैर का खतरा हो सकता है और पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होती है, तो ये हाथ से करने में पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल है। पेशेंट का डिस्चार्ज जल्दी हो सकता है, प्रोसीजर के बाद पेशेंट सीधा उठ के चला जा सकता है। मैं डॉक्टर राहुल वहाटुड़े अभी ओरियन सिटी केयर हॉस्पिटल में एज ए न्यूरोलॉजी कंसल्टेंट फुल टाइम अवेलेबल हूँ।
यहाँ पे जितने टाइप के पेशेंट्स आते हैं और जितना हायर एंड का जो केयर दिया जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं है। और अंडर वन रूफ यहाँ पे जो सर्विसेज दी जाती है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना एक वन प्लेस पे नहीं मिलता है जनरली। अदरवाइज़ पेशेंट को इधर उधर घूमना पड़ता है हर चीज़ के लिए, पर यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है और ऑन टाइम होती है। हृदय की जैसे एंजियोप्लास्टी होती है वैसी ब्रेन की भी एंजियोप्लास्टी होती है। कभी कभी जो ब्रेन के रक्तवाहिनियाँ रहती हैं उसको एक फुगा डेवलप हो जाता है जो फटने की इसमें रहता है, बीपी की वजह से फट सकता है। और इसके लिए हम लोग ऑपरेशन करके कभी कभी क्लिपिंग करते हैं, दूसरा तरीका है इसको कॉइलिंग कर सकते हैं। और कभी कभी अगर ये फट जाता है तो दिमाग के बीच में खून का काफ़ी बड़ा क्लॉट डेवलप हो जाता है जिससे दिमाग दब जाता है, और इसके लिए ऑपरेशन करके ये क्लॉट निकाला जाना चाहिए और इससे जान बचती है। शांताबाई बाबा साहेब कटारे रानारी हिलारपुर तालुका वैजापुर जिल्हा औरंगाबाद। मला पोळा झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी एकदम विकून चमक उठली, मग चमक उठल्यानंतर मग वैजापूरला गेलो आम्ही। वैजापूरच्या डॉक्टरनं मला पित्तावर इलाज केला, घरी आल्यानंतर थोडंसं टाईम दोन एक मिनटं थांबलो, म्हणजे एक घंटात परत तसं व्हायला लागलं। इथं आणलं आणि मग मुलांनी ॲडमिट केलं, मला ॲडमिट केल्याच्यानंतर मग ते ना दोन चार दिवस ॲडमिट केलं, चार पाच दिवस। मग खाली एकदम मांडीतून बघितल्यानंतर त्यांना समजलं, मग ते ना नंतर पाच दिवसानं अजूनवर ऑपरेशनला नेलं। माझं नाव सुनील बाबासाहेब कटारे, ह्या माझ्या आई आहे शांताबाई बाबासाहेब कटारे, आणि यांना मी पहिलं प्रथम त्याचा त्रास व्हायला लागला, म्हणजे खा साईडनं मुंग्या येणे आणि चमकणे डोक्यात। आम्ही त्याच्यानंतर मग त्यांनी आता करून लगेच ॲडमिट केलं आणि एक पाच दिवस ठेवलं, 24 सप्टेंबर 2019 ऑपरेशन केलं त्यांनी ब्लॉकेजचं। आणि त्या जे मेंदूला जो रक्तपुरवठा कमी होत होता तर त्या ब्लॉक याच्याद्वारे ऑपरेशनद्वारे त्यांनी तर क्लिअर करून घेतलं। हो आईला, आई आता चालते वगैरे, वाकरवर वगैरे। आईला पहिला बी पाय फ्रॅक्चर झालेले, 20 वर्षापासून आईला तो प्रॉब्लेम होता चालण्याचा, तर पण मग आता जे पहिल्या सारखं आहे तसं क्लिअर झालो, आता गोळ्या वगैरे देऊन ट्रीटमेंट वगैरे एकदम क्लिअर आहे आमच्या।